हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ गाइज आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू आर न्यू ब्लॉग। आज का जो ब्लॉग है गाइज, सुबह के 8:30 बजे स्टार्ट हो रहा है। नहा धो लिया मैंने, पूजा पाठ हो गया है, लाला जी हमारे बैठ चुके हैं। और गाइज आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति, मकर संक्रांति की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज खिचड़ी है गाइज, मकर संक्रांति को ही खिचड़ी भी बोलते हैं, तो हमारे यहाँ खिचड़ी ही बोलते हैं इसको, मकर संक्रांति वगैरह नहीं बोलते गांव में। तो चलते हैं गाइज, फटाफट से खिचड़ी छू लेते हैं और आज खिचड़ी बना के भी हम खाएंगे। तो पहले तो खिचड़ी छूने के लिए हम क्या करते हैं, चावल लेते हैं और उड़द की दाल लेते हैं, नमक लेते हैं, इन्हें अपने हाथों से छू करके उसके बाद किसी को दान देते हैं। तो चलती हूँ, पहले मैं छू लेती हूँ क्योंकि हस्बैंड जी नहाने गए हों, नहा के आएंगे जब भी छूएंगे, तो मैं छू लेती हूँ अपना और उसके बाद देखती हूँ किचन में क्या करना है, नाश्ता वगैरह बनाती हूँ। तो आपके यहाँ होता है कि नहीं कमेंट करके बताना, मेरे यहाँ होता है गांव में। तो चलिए गाइज मिलते हैं और आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे खिचड़ी छूने के लिए मैंने उड़द की दाल और यहाँ पे नमक, यहाँ पे खिचड़ी चावल रख लिया है। तो यहाँ दो प्लेट में रखा है, एक मेरा है एक पतिदेव का है। तो चलिए गाइस सबसे पहले खिचड़ी छू लेते हैं, उसके बाद और कोई काम करते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने खिचड़ी छू के थैले में पैक कर दिया है और पतिदेव भी छूएंगे तो उसे भी डाल देंगे, फिर आएंगे पंडित जी लोग आते हैं नीचे आज के दिन, तो उन्हें दे देंगे। और गाइज 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 आज हमारे यहाँ का मौसम इतना प्यारा है ना, सुबह सुबह गाइज 8 बजे इतनी प्यारी धूप निकल गई है, मैं बता नहीं सकती। तो फटाफट से सारे काम खत्म करते हैं, उसके बाद छत पे चलते हैं क्योंकि कल भी संडे था, पूरे दिन हम और पतिदेव छत पे ही थे क्योंकि धूप इतनी अच्छी निकल रही है आजकल। तो कल तो सर्दी कुछ ज़्यादा थी बट आज सर्दी है नहीं, हल्की फुल्की ठंड है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है जब सुबह सुबह अच्छी से धूप निकल जाती है सर्दियों में, बहुत ही प्यारा मौसम है। तो आप देख सकते हो गाइस सुबह सुबह कितनी प्यारी वाली धूप निकल गई है, हल्की हल्की धूप, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। तो गाइस यहाँ पे चाय चुई हमने पी लिया है, चाय पी लिया है, ख़त्म कर दिया है, दोनों गिलास खाली हैं। और चाय के साथ गाइस हमने खाया है पूड़ी और सब्जी, बहुत टेस्टी था ना बाबू, मज़ा आ गया कि नहीं? मज़ा आ गया बहुत, सच में बहुत मज़ा आया, तो बहुत अच्छा लगा। तो गाइज़ अभी खिचड़ी हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि खिचड़ी गरम गरम ही खाने में मज़ा आता है, तो खिचड़ी बनाएंगे हम थोड़ी देर बाद और तुरंत ही खिचड़ी खाएंगे ताकि गरम गरम रहे, और हीटर की हवा सीधे मुंह में लग रही है बहुत तेज़। तो चलिए गाइज़ थोड़ी देर बर्तन वगैरह साफ़ कर लेते हैं उसके बाद बनाते हैं। तो गाइज यहाँ पे बन गई है स्पेशल खिचड़ी क्योंकि आज है खिचड़ी, तो यहाँ पे खिचड़ी बन गई है और आज बहुत ही स्पेशल खिचड़ी बनती है गाइज हमारे यहाँ। इसमें हींग वगैरह डाल के और क्या बोलते हैं अदरक वदरक डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है। तो मेरे पास गाइज कुछ बड़ा बर्तन नहीं था तो मैंने कुकर में बनाया है और इसका तलवा भी थोड़ा मोटा होता है तो इसलिए ऐसे ही बनाया है खोल के। तो किसके किसके यहाँ गाइज ऐसी वाली खिचड़ी बनती है, खिचड़ी पर कमेंट करके बताना। मेरे यहाँ ऐसे ही बनती है उड़द वाली खिचड़ी, तो बहुत ही टेस्टी भी लगती है, नींबू वगैरह के साथ सर्व करो, अचार हो, नींबू हो, उसके साथ हरे मटर, टमाटर और क्या बोलते हैं मैं भूल जा रही हूँ, गोभी वगैरह की सब्जी होती है ना, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे बन गई है मेरी खिचड़ी, अब सर्व करते हैं पतिदेव को, खा के ऑफिस जाएंगे वो।